दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं की साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और हो सके तो एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, आप देखें तो यहाँ लिखा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें। तो दोस्तों आपको मैं पता होगा कि आप इसका संरचना सूत्र आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सात जो है संयोजन आबंध बनते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सात हो जाएगा, सात संयोजक आबंध, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको बनाकर ही दिखाता हूं। देखिए C2 होता है तो यहां पे C2 ऐसे हम लिखते हैं ना, तो H कितना 6 है, तो यहां पे हम H क्या लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, तो H हम इस तरह से लिखते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप इसको अच्छे से समझें। तो यहाँ पे हम H इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है समझिएगा, H को हम इस तरह से जो है प्रतिपादित करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें आबंध क्या गो है, एक यहाँ पे हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, कितने हो गए, सात संयोजक आबंध हो गए। तो यही यहाँ पे आपका ऑप्शन देना था, यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि सात संयोजक आबंध है C2H6 में। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ब्यूटेनॉन और चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो देखिए प्रक्रियात्मक समूह जो है इसका कीटोन है, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे बुटेनॉन का है, चतुर कार्बन का क्या हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर होगा। अगला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप तो खाना बनाते ही होंगे, आप लोगों को पता है कि खाना बनाते समय क्या होता है कि ताप के कारण जो है बाहरी परत जो है बर्तन की वो काली हो जाती है, काली होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो आपको यही आंसर सही होगा कि ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, धुआं धुआं थोड़ा सा हो रहा है जिसके कारण से जो है बर्तन की जो बाहरी सतह है वो काली हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है कि एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था एथीन एल्कीन एल्काइन का, ये सभी का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, इनका जो सामान्य सूत्र है उन सभी को आप लोग रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एल्किनो का सामान्य सूत्र है। तो देखिए एल्किनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, याद रखेंगे CnH2n एल्किनो का। और यहाँ पे फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्किनो का फिर सामान्य सूत्र पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए एल्किनो है, यहाँ पे एल्केनो है, एल्कोनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। उसके बाद अगला नंबर यहाँ पे छह नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन याद रखेंगे, जोड़ो घटो, ठीक है जोड़ो घटो हटाओ, ठीक है याद रखेंगे जोड़े घटो हटाओ, ये जो फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको मैं आपको जो है लाइव क्लास जो होने वाली है सब्जेक्टिव वाला उसमें भी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करके समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इस सभी सामान्य सूत्र को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सातवां नंबर दिया गया है कि निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये प्रोपेन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा प्रोपेन। अगला है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा C2H4। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों C2H2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं, तो दोस्तों यह जो है C2H4 में जो है द्विबंध होते हैं। द्विबंध का आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे C2H4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया C2 इस तरह से लिखते हैं, C2 इस तरह से करते हैं, C दो गो है तो दो गो लिखे, और द्विबंध इसके अंदर दर्शाते हैं, और H क्या गो है, H जो है चार गो है, तो H जो है चार गो हम यहाँ पे इस तरह से जो है दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को दर्शाना है, आप लोगों ने बनाया होगा इस तरह के संरचना सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से जो बनाया जाता है, और यहाँ पे कार्बन के बीच जो है दो आबंध है यानी कि द्विबंध है, तो दोस्तों इस ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 11 नंबर, कहता है निम्नांकित में से,
ठीक है, नामांकित में से कौन सा युग्म जो है समावयवी है, तो समावयवी कौन सा युग्म है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C5H10 और C6H12, ठीक है, ये जो है समयावी युग्म है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो लिखा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो दोस्तों यह हो जाएगा मुख्य घटक कौन सा है, ये मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है, तो किस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है दोस्तों, यह होता है C3H4 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, चक्री और संतृप्त कार्बन यौगिक है, तो चक्री और संतृप्त कार्बन का यौगिक में से बताना है, तो दोस्तों आपको पता होगा बेंजीन का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था ना, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो ए है बेंजीन, ये आपका सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि चक्रीय संतृप्त कार्बन यौगिक है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा साइक्लोहेक्सनेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सनेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, मिथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं, तो मिथेन में दोस्तों या चार संयोजन आबंध होते हैं या बंधन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही सी जो है चार सही होगा। अगला देखें, तो लिखा है कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है मिथेन, आपको मैंने बताया था एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का, तो इन सभी को जो है आप लोगों को याद रखना है, इसके प्रथम सदस्य का भी नाम आप लोगों को याद रखेंगे, इसका समान सूत्र भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है 18 नंबर दिया हुआ है कि हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कौन से क्या चीज है, तो यहाँ पे ये बताइएगा दोस्तों, हीरा क्या है, कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट जो है कठोर पदार्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना कार्बनिक पदार्थ में पूछा गया है कि हीरा एवं ग्रेफाइट जो है एक कार्बन के अवरूप है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अपर रूप है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा। अगला है कि मिथेन का अणु होता है, तो मिथेन का अणु जो है वह समचतुष्फलक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है एल्केन कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है, और एल्किन और एल्काइन याद रखेंगे, एल्किन और एल्काइन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा, एल्केन, ठीक है, याद रखेंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग VBI समझिए और इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये काफी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो लिखा है यहां पे कि बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का दोस्तों अणुसूत्र होता है C6H6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि N2 अणु में, यानी कि नाइट्रोजन अणु में जो है नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें जो है तीन जो है संयोजक बंधन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो दो आबंध पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है, निम्न में किसके संकलन अभिक्रिया होती है, तो C2H2 में जो है संकलन अभिक्रिया होती है। अगला है, समजात श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है, तो दोस्तों CH2 का अंतर होता है, ठीक है, ये वाला जो है सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, CH2 यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का जो है ये परमाणु भार में जो है अंतर होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर दिया गया है कि निम्न में अपमार्जक कौन है, तो दोस्तों अपमार्जक जो है ये सोडियम लॉरिल सल्फेट है, ठीक है, सोडियम लॉरिल सल्फेट है, ये जो है अपमार्जक है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, निम्न में कौन एल्केन नहीं है, तो दोस्तों एल्केन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एल्केन के फॉर्मूला के अनुसार आप अगर देखें तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा C2H4, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है एल्केन का, तो इसको इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा C2H4, ठीक है।
अगला है इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का जो है अनुसूत्र होता है C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं तो साबुन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा साबुन। अगला है निम्न में कौन एल्कोहल है, तो निम्न में कौन से एल्कोहल है ये बताना है। तो दोस्तों यह जो है CH3OH जो है ये एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है कि निम्न में कौन एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था और आपको इसको अच्छे से समझाया था कि एल्डिहाइड किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है HCHO, ठीक है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कीटोन है, तो कीटोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH3COC2H5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इन सभी को आप लोग कॉपी में नोट कर लें और इनको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजन आबंधन या संयोजक बंधन की संख्या है। तो दोस्तों यह तो है, यहाँ पे बता दूं कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो है संयोजन आबंधन जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। एसिटिलीन का फॉर्मूला के अनुसार आप कार्बन के बंधन में देखें तो ये 5 बार जो है यहाँ पे कार्बन की जो है बंधन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक बंधन की संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि माइनस सी एच ओ प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है कि माइनस सी डबल ओ एच प्रक्रियात्मक समूह को कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि ओ एच प्रक्रियात्मक समूह है तो दोस्तों इसको हम अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन जो है यानी कि ग्रेटर लेस देन जो है सी ओ प्रक्रियात्मक समूह जो है तो इसका आंसर जाएगा कीटोन, ठीक है। ये 38वां नंबर जो क्वेश्चन है ये काफी बीबीआई, इन सभी को याद रखिएगा। 35 से लेकर 38 तक जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी को आप लोगों को याद रखना है। इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इन सभी को आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए और एग्जाम से पहले इन सभी को रट लीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे।